नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बालसोर में ये हादसा हुआ, मालगाड़ी से एक्सप्रेस टकरा गई। कोरोमंडल ट्रेन की मालगाड़ी से जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 132 लोग घायल हुए हैं। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी ट्रेन, तभी उड़ीसा के बालासोर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई। हादसे में करीब 132 लोग घायल हैं। घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी। स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से लोगों की मदद करने में, रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। घटना स्थल पर एक दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंची हुई है। मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। कई और टीमें घटनास्थल पहुंच रही हैं। अभी भी लोग बोगियों में फंसे हुए हैं, दबे हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी दुष्मंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्मंत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? दुष्मंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी से संपर्क करने की, अपडेट लेंगे। फिलहाल घटनास्थल पर क्या हो रहा है वो हम जानेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरीके से ट्रेन पलटी है। मालगाड़ी से टकरा गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। 132 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल अभी आंकड़ा यही है, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। दुष्यंत सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, फिलहाल क्या अपडेट अभी? देखिए, अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है, जो 140 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं का खबर आ रहा था, अभी जो लोकल सोर्स है, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, शायद 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, शायद ऐसा कुछ आ रहा है खबर, लेकिन ये हम ऑफिशियल नहीं बता सकते, इसलिए कि जो ऑफिशियल अभी रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा खबर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रेस्क्यू हो रहा था, जो रेस्क्यू टीम, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी उड़ीसा में पहली बार ऐसे ट्रेजेडी देखने के लिए मिला, ट्रेन एक्सीडेंट। और अभी तक की जो सूचना है, जहां स्पोर्ट से आ रहा है, अभी धीरे 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 करके पहुंच रहे हैं रेस्क्यू टीम की। सबसे बड़ी बात है कि जो मेन रेस्क्यू टीम है वो भुवनेश्वर से गया है और बालेश्वर से निकल चुका है, महानगर की तरफ से अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, भद्रक से जो रेस्क्यू टीम वो पहुंच गया है, लेकिन जो मेन रेस्क्यू टीम, रात को जिस टीम का एक्सपीरियंस है अंधेरे में कैसे रेस्क्यू करते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन पुख्ता खबर है, ये बड़ी खबर है कि बहुत सी लोग घायल हो चुके हैं और मरने की जो संख्या है वो अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। बिल्कुल, जैसी तस्वीरें फिलहाल दुष्मंत हम तस्वीरों में देख रहे हैं, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दुष्मंत, ये बात पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, जो सूचना आ रहा है, दो ट्रेन, एक मालवाही ट्रेन था पहले बोल रहे थे, लेकिन वो भी एक एक्सप्रेस था, और ये जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था, ये जो एक ही ट्रैक में था, और पीछे से लेके हावड़ा जो एक्सप्रेस था, हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था, वो उसको पीछे से धक्का दे दिया, और उसी बीच चार डब्बा इसका, शालीमार एक्सप्रेस का और जो एक्सप्रेस का था, चार चार डब्बा गिर गया। और अभी जो खबर आ रही है, ये हम आपको लोकल जो थे वहां पर, जो आंखें देखी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वो सोच रहे हैं, लेकिन अगर स्पॉट वेरिफिकेशन करें, जो जहां से खबर आ रही है स्पॉट वेरिफिकेशन करें और जहां पर घटना घटी है उसको देखेंगे, तो पता लगेगा कि जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस था वो पीछे से जाकर धक्का दिया है, और शायद कहीं पर सिग्नल का प्रॉब्लम था, और दो ट्रेन के जो बीच जो जो होता है कम्युनिकेशन गैप था, और वही गैप ही ये एक्सीडेंट का कारण बना, और जो हादसा हुआ ये बड़ा हादसा। और देखिए, जो सूचना आ रही है, 140 से ज्यादा लोग घायल, और अभी जो खबर आ रही है वो भी बहुत दुखद खबर है।
जी दुश्मन तस्वीरें काफी भयावह हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कई बोगियां हैं वो फट गई हैं, इतनी जबरदस्त टक्कर थी। तो कह सकते हैं, माना जा सकता है कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी जब मालगाड़ी से टकराई। हाँ, जो सूचना आ रही है कि फुल ट्रेन स्पीड में था, और वो जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत इंटीरियर प्लेस है, जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का है, बालेश्वर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बालेश्वर बहानागा ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत इंटीरियर प्लेस है। और जिस हिसाब से जो लोकल लोग भी हैं और रेस्क्यू के लिए बहुत ही परेशानी हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन की सुविधाएं होती वहां पर तो रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा होता, सुविधा होता, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेन टीम है अभी भी रेस्क्यू का, जो मेन टीम है ओड्राफ टीम, एनडीआरएफ, फायर, डीजीपी जो टीम लेकर जा रहे हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचा। लोकल लोगों के पास जो अपने आसपास जो चीज है उसी में से रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का लोकल पुलिस वहाँ पर पहुंच चुका है और लोकल लोगों की मदद से, जिस तरह से मदद करके लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं वो उनको सैल्यूट है, लेकिन अभी तक जो मेन रेस्क्यू टीम है अभी तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल दुश्मन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ट्रेन की कितनी बोगियां ज्यादा डैमेज हुई हैं, कितनी बोगियों को ज्यादा नुकसान हुआ है, या फिर पूरी ट्रेन ही पलट गई। दुश्मन, देखिए जो सूचना आ रही थी कि चार बोगी अभी डैमेज हुआ है, पूरी तरह डैमेज, और पांच से छह बोगी अर्थात आठ बोल सकते हैं डैमेज हुआ है। लेकिन अगर ये स्थिति देखे, जो सिचुएशन देखे, तो मालवाही ट्रेन और ये जो ट्रेन पटरी की वजह से ये ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर धुंधला है, लाइट ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, और जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंच नहीं पा रहा है, लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा हादसा है। बिल्कुल दुश्मन, जब ऐसे ट्रेन हादसे होते हैं तो इनको टालने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेन्स होती हैं काफी स्पीड में होती है, जैसा कि आपने अभी बताया कि ट्रेन काफी स्पीड में थी और सिग्नल की वजह से ये कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ट्रेन हादसे हुए हैं काफी भयावह हुए हैं, अभी तो केवल घायलों की ही संख्या सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे थे आशंका है कि मरने वालों की संख्या भी अभी आधिकारिक पुष्टि उसकी हो जाएगी। दुश्मंत जी, अभी तक आधिकारिक जैसे कि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितने लोग मरे हैं। हाँ, वही खबर आ रहा है 20 या 25 से लोकल सोर्स से, हमारी तरफ से जो लोकल सोर्स है वो बता रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वहां से रेस्क्यू जो लोगों को कर रहे हैं वो भी बहुत ही बुरी तरह घायल हुए हैं, उन लोगों को मेडिकल लिया गया है वहां पर भी। ठीक है दुश्मन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।